hello friends welcome to paralegal study in this lecture we will analyze our unit 8 that is movements for separate uh, statehood so this is also very important unit uh, let's start with the introduction part uh, friends indian states are so diverse in terms of culture geography language uh, socially or economically and in india statehood demand have been uh, coming up from the 1950s onward and the state reorganization commission src constituted by the central government of india in december 1953 to recommend the organizations of state boundaries on the basis of language and various new states have been created in the 1950s 1960s to 1970s 1980s and एंड and 2014. एंड टू सो इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि इंडिया एक डाइवर्स अ, अ, कंट्री है यहाँ के जो स्टेट हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं चाहे वो कल्चरल रूप में जोग्राफी लोकेशन वाइज लैंग्वेज सोशली इकोनॉमिकली और इंडिया में जो ये स्टेट हुड की डिमांड है मींस ये जो पर्टिकुलर आपका जो चैप्टर है ये सेपरेट स्टेट की बात करता है कि अलग राज्य ठीक है तो जो हमारे डिमांड है वो नाइनटीन फिफ्टी के दौरान से ही उठती आ रही है और काफ़ी स्टेट बने भी हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था 1953 में उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने स्पेशली जो हमारे यहाँ पे स्टेट आपको दिख रहे हैं अभी जैसे आंध्र प्रदेश है ठीक है तमिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा ये मतलब जितने भी स्टेट हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ही आ, के रिकमेंडेशन के बाद ये बने थे और ये स्टेट जो हमारे यहाँ पे जो बने वो लैंग्वेज के आधार पे ही बने ठीक है तो काफ़ी न्यू स्टेट हमें देखने को मिलते हैं जो नाइनटीन फिफ्टीज़ के दौरान कुछ स्टेट बने फिर नाइनटीन और सेवनटीज़ में नॉर्थ जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पर काफ़ी स्टेट निकले नाइनटीन के दौरान कुछ स्टेट इमर्ज हुए तो इस तरीके से आपको पूरा ये इंट्रोडक्शन में सारा पार्ट लिखना है नेक्स्ट <coughs> है मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट्स मीनिंग एंड द स्कोप सो थ्री फॉर्म ऑफ मूवमेंट सीक इन इंडिया दैट इज स्टेट हुड मूवमेंट ऑटोनॉमी मूवमेंट एंड सेक्शनिस्ट मूवमेंट देखो इनमें अंतर क्या है तीन टाइप के मूवमेंट इंडिया में देखने को मिलते हैं पहला है स्टेट हुड मूवमेंट इसका मतलब साफ है दैट uh, कोई पर्टिकुलर जो रीजन है वो अलग से अपना स्टेट जाता है अलग से अपनी आइडेंटिटी जाता है ध्यान रखना जब मैं अलग से बोल रहा हूँ तो नोट नोट लाइक ए इंडिपेंडेंट कंट्री नो स्टेट हुड का मतलब है कि पर्टिकुलर रीजन वॉन्ट्स टू बी द सेपरेट स्टेट आइडेंटिटी विद इन द इंडिया तो इंडिया के अंदर ही बस वो चाहते हैं कि हमारा राज्य अलग बन जाए ठीक है ना तो स्टेट हुड मूवमेंट जो है वो क्या है सीक टू बी द सेपरेट स्टेट फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग स्टेट जैसे अभी एक एग्जाम्पल के लिए पहले उत्तराखंड क्या था उत्तराखंड बिकेम द पार्ट ऑफ यूपी बट नाउ उत्तराखंड इज ए इंडिपेंडेंट स्टेट इन द सेम वे हरियाणा बिकेम द पार्ट ऑफ पंजाब बट नाउ हरियाणा इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट तो इस तरीके से स्टेटहुड का मतलब यह सेपरेट स्टेट तो उसकी डिमांड उठ मतलब मूवमेंट है उससे रिलेटेड स्टेटहुड मूवमेंट दूसरा मूवमेंट हम देखते हैं ऑटोनोमस मूवमेंट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस यूनिट यूनिट सेवन दैट ऑटोनोमस मोमेंट में क्या होता है दैट पर्टिकुलर रीजन डिमांड फॉर द स्पेशल ऑटोनोमी तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने देखा था कि जो वहाँ पर बोडो मोमेंट है और इसके अलावा जो अलग जो मूवमेंट जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर होते हैं वो ऑटोनॉमी चाहते हैं चाहते हैं मीन्स दे वॉन्ट्स टू बी दो सेपरेट टेरिटोरियल काउंसिल ऑटोनॉमिक काउंसिल तो ये अलग से राज्य नहीं बन रहे हैं मीन्स हम समझ ये रहे हैं कि मूवमेंट्स जो होते हैं ना हमें समझना होगा कि तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं स्टेट हुड मूवमेंट्स विच डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑटोनोमस मूवमेंट मीन्स दे डिमांड फॉर द ऑटोनोमी विद इन द एग्जिस्टिंग स्टेट तो स्टेट के से वो बाहर नहीं जा रहे हैं बस वो मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि असम में जो बोडो मूवमेंट है वो क्या है बोडो जो कम्युनिटी है वो चाहती है कि असम में उनका जो रीजन है जहाँ पे बोडो कम्युनिटी रहती है ट्राइबल्स रहते हैं उनको एक अलग से ऑटोनोमी दे दी जाए ठीक है तो वो है एंड द थर्ड वन इज द सेक्सनिस्ट मूवमेंट इसमें क्या होता है सीक्स टू बी सेपरेट फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया एंड गेट ए सोवर्जियन स्टेट तो इसमें जैसे खालिस्तान जो मूवमेंट हमने देखा था वो क्या है उसको हम सेक्सनिस्ट मूवमेंट बोल देंगे क्यों क्योंकि दे वॉन्ट्स टू बी द इंडिपेंडेंट कंट्री वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते वो बिल्कुल देश से बाहर होना चाहते हैं अलग से अपना देश चाहते हैं अब मैं आपसे एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं अकॉर्डिंग टू यू विच मूवमेंट इज नोट फेवर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा मूवमेंट इन तीन में से स्टेटहुड और ऑटोनॉमी और सक्सेसनिस्ट मूवमेंट में से कौन सा मूवमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट नहीं करता है ऑफकोर्स जो अलग देश बनने की जो डिमांड करते हैं लोग वो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ठीक <coughs> है ना तो आप ध्यान रखें कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है दैट स्टेट हुड मूवमेंट एंड ऑटोनोमस मूवमेंट ये सही है मीन्स इट्स ठीक है भाई वो लोगों की डिमांड है और उस तरीके से बट जो सेक्शनिस्ट जो मूवमेंट है जो अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा कोई अगर मूवमेंट करेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा ठीक है तो आई होप आप वो अच्छे से क्लियर है next friends uh, what is the constitutional provision related to this movement so according to article 3 of the indian constitution uh, has provisions for the creation of new state from the existing state and uh, constitutionally it is the president who has the power to initiate the process for creation of a new state कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में बस आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो आर्टिकल थ्री जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पेशली बोलता है दैट न्यू स्टेट क्रिएट किए जा सकते हैं ठीक है ठेके? और जो न्यू स्टेट बनेंगे वो किसके कौन बनाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मेन पावर है फॉर मेकिंग द न्यू स्टेट इज लाई इन द हैंड ऑफ प्रेजिडेंट लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डायरेक्ट जरूरी नहीं है वो प्रैक्टिकल में उतना ईजी हो जैसे के एग्जाम्पल मान लो आज सुबह सुबह प्रेजिडेंट उठे और उनको लगा कि यार जीवन में ना कुछ तड़क भड़क चाहिए ठीक है और वो कह डी सीधा डिमांड उन्होंने कर दी कि चलो तुम भी क्या याद रखोगे आज नया स्टेट बना दिया तो ऐसे नहीं होता है मींस कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर ये लिख रखा है कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट बट उसको प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखोगे तो पार्लियामेंट पहले तो जिस स्टेट में फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी में ही कोई अलग से स्टेट की डिमांड कोई कर रहा है पर्टिकुलर रीजन जैसे बिहार की साइड जो लगता है ईस्टर्न यूपी मान लो डिमांड कर रहा है सो so, पहली बात तो वो यूपी की असेंबली में ही वो मुद्दा उठना चाहिए लोगों का पूरा मूवमेंट होना चाहिए उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बात जाएगी प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड रिजोल्यूशन लाएंगे एंड इफ़ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द टू थर्ड मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस तो उसके बाद से इस तरीके से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है पर सिंपल से हम बात करें दैट प्रेजिडेंट हैज़ द पावर और वो दे रखा है आर्टिकल थ्री में ठीक है तो पूरा है आपको इस तरीके से इन चीज़ों को समझना है ऐसा नहीं है कि प्रेजिडेंट को बस लगा और तुरंत तो स्टेट बन गया इतना ईजी भी नहीं है ये नेक्स्ट है फ्रेंड्स वट आर द वेरियस रीजन फॉर द राइज ऑफ सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट सो फ्रेंड्स बेसिकली द important factor behind the rise of separatist uh, statehood movement is like language, culture, customs, religion, historical background and of course the level of development. And during the uh, post-independence there has been several examples of statehood movement seems to be in India and they can be grouped in the phases that uh, movements in the 1950s to 1960s which was Purely based on the linguistic organizations movement, and uh, later reorganization of Northeast Indian state in the 1960s, 1970s, uh, which which seeks to be the <clears throat> separate autonomy movements uh, seems uh, in the Northeast region, and the third is the movement in the Hindi belt in the 1990s and 2000, and last in 2014 the Telangana movement. तो रीज़न जो मैंने बताया सबसे पहले तो देखो क्योंकि लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है जैसे मान लो कोई भी जब स्टेट बनता है तो वो ये कहता है जैसे कि नहीं भाई हमारा डेवलपमेंट हम पे ध्यान नहीं दिया जाए जैसे उत्तराखंड का केस ले लो उत्तराखंड के लोगों का ये मानना था कि नहीं यूपी में हम रह के हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है मीन्स एक तो वो बहुत बड़ा हो जाता है यूपी उसको फिर कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हर लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करना वो इजी नहीं होता तो लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में वो डिमांड करते हैं इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर उनका पूरा रहन सहन सब अलग होता है अलग इन द सेंस उनकी आइडेंटिटी कल्चर वे में लैंग्वेज रूप में अलग होती है तो वो उस रूप से भी डिमांड कर देते हैं ठीक है और तो वेरियस टाइप के मूवमेंट हमें जो अलग अलग फेज़ में दिखाई देते हैं जैसे पहला जो मूवमेंट जो चला नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटीज़ के दौरान वो प्योरली लिंग्विस्टिक के आधार पे था जिसमें आंध्र प्रदेश जो निकला ठीक है वो तेलुगु स्पीकिंग को ले निकला था वो ठीक है मड्रास से तो वो पूरा लैंग्वेज के आधार पे था बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑटोनोमस मूवमेंट एंड वेरियस अदर स्टेट हुड मूवमेंट्स भी हमें दिखाई देते हैं नाइनटीन सिक्सटीज के दौरान हिंदी बेल्ट मूवमेंट जहाँ पे हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये सब फॉर्म होते हैं तो वो एक मूवमेंट था और लेटेस्ट दो में तेलंगाना मूवमेंट जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है सो ये सब कुछ हमने एग्जाम्पल देखे अब इनको थोड़ा बारी बारी से समझते हैं हम ठीक है ना सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स डिटेल्स डिस्कशन इन द मूवमेंट इन दाइनटीन फिफ्टीज एंड और वी कैन सी द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट तो देखो इसमें क्या है सॉरी इन द नाइनटीन फिफ्टीज देर वर स्टेट हुड डिमांड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस वॉज द आंध्र प्रदेश मींस आंध्रा स्टेट so it was formed in the October 1953 after the death of Potti Sreeramulu due to fast which has undertaken demanding creation of the state and Andhra Pradesh was formed of Telugu speaking district of the Madras state तो ये देखो सबसे पहले जो linguistic movement start हुआ means या state की जो formation हुई वो हमें सबसे जो पहला example लिखना है वो है 1953 में क्या होता है state ये बना दिया जाता है Andhra Pradesh तो आप समझो कि आंध्र प्रदेश वॉज बिकेम द पार्ट ऑफ द मद्रास स्टेट बट वहाँ पे क्या होता है ये जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसमें तेलुगु स्पीकिंग पीपल रहते थे तो दे दे स्टार्ट डिमांडेड फॉर क्रिएशन द न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दैट तेलुगु स्पीकिंग पीपल तेलुगु स्पीकिंग एरिया ठीक है तो वो आंध्र प्रदेश के जो हैं अलग से वो डिमांड स्टार्ट कर देते हैं और उसमें क्या होता है बाद में ओ श्रीमल्लू जो है वो लीडर थे उनकी डेथ हो जाती है मीन्स वो डिमांड उन्होंने की कि भाई हमें अलग से स्टेट चाहिए और सरकार उस समय झुकने को तैयार नहीं थी तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो बाद में काफ़ी बड़े लेवल पर मूवमेंट होता है फाइनली द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्मड इन द नाइनटीन एंड बेस्ड ऑफ द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मीन सॉरी आंध्र प्रदेश तो पहले ही बना दिया जाता है वो जो पूरा एक मूवमेंट खड़ा होता है बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश इंडियन गवर्नमेंट एस्टाब्लिश द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री एंड स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव और उसके बाद से फिर काफ़ी स्टेट हमें दिखते हैं जो लैंग्वेज के आधार पर बने तो इसमें जो पूरा आपको ध्यान रखना है इस मूमेंट में यह आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत सबसे पहले हुई थी आंध्र प्रदेश से और वहाँ पे आंध्र प्रदेश जब बना 1953 में उसके बाद फिर अलग अलग एरिया से डिमांड उठने लग गई तो सरकार को लगा कि यार अब ऐसे तो सबको बना नहीं सकते ना कि जिसने भी डिमांड की और हमने राज्य बना दिया तो उसी के लिए स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को नियुक्त किया गया और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर फिर बाद में जो वेरियस स्टेट जो है वो लैंग्वेज के आधार पर हमें दिखाई देते हैं ठीक है ना तो ये पूरा जो लैंग्विस्टिक uh, के आधार पे है स्टार्टिंग का जो फेज मैंने बताया दूसरा है जैसे मूवमेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन सॉरी इसमें एक और चीज यहां पे ले लो लैंग्वेज के आधार पे ही दैट क्रिएशन ऑफ पंजाब अलोंग विद द हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश इन द 1966 वाज आल्सो द मूवमेंट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड यहां पे क्या होता है दैट आफ्टर कार आउट ऑफ पंजाब द रेजिड्यू एरिया ऑफ पंजाब बिकेम सेपरेट स्टेट ऑफ हरियाणा इन हिमाचल प्रदेश वेयर हिंदी बिकेम द सोल लैंगवेज ऑफ द स्टेट तो जो पंजाबी सूबा है मीन्स अपना जो अभी पंजाब है तो वो पहले हिमाचल प्रदेश हरियाणा ये सब पूरा मिल के एक ही था बट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा एक्चुअली पंजाबी जो सूबा मूवमेंट है वहाँ से क्या होता है सिख जो लोग हैं पंजाबी जो लैंग्वेज उसको ले के लोग कहते हैं कि नहीं हमें अपनी अलग से आइडेंटिटी चाहिए अलग से स्टेट चाहिए ठीक है तो वो पंजाब बन जाता है तो बच्चा उसका वो रीजन जहाँ पे पंजाबी लोग नहीं बोलते थे तो वो हिंदी एरिया वाले लोग जो हैं मीन्स हिंदी एरिया कहलाया और वहाँ से फिर वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा फॉर्म्ड होता है सो पूरा ये जो मैंने आपको बताया साउथ इंडिया का और ये जो पंजाबी सूबा में हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब ये सारे जो हैं क्रिएशन किसके आधार पे हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे हैं Next is the movement of reorganization in northeastern India. In northeastern uh, part that uh, there are two kind of movement uh, for recogni uh, recognition of power relations within the constitution framework of India, that is autonomous movement and the statehood movement. So uh, instead of uh, creating separate state of hill region it is suggested that autonomy should be given to the various culture and linguistic groups according to the uh, state reorganization commission's report uh, but uh, different people and different tribes demanded their autonomy and uh, demanded for the separate state identity so which resulted into the uh, दैट नागालैंड बिकेम ए स्टेट इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री एंड मेघालय मणिपुर एंड त्रिपुरा इन द नाइनटीन सेवनटी टू एंड सिक्किम वॉज एनेक्स्ट इन टू इंडिया इन नाइनटीन सेवनटी फाइव देखो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मूवमेंट हमने पिछला एक यूनिट्स में देखा था कि उनको एक तो इनर लाइन परमिट मिला हुआ है हिली एरिया को इनर लाइन परमिट एरिया का मतलब ये है दैट आउटसाइडर जो कॉमन जैसे इंडियन पीपल्स हैं वो वहाँ अगर जाते हैं तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से सो इनर लाइन परमिट फॉलो इन द वेरियस नॉर्थ ईस्ट रीजन्स टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स एरिया उसको लेके इनर लाइन परमिट है दूसरा मैंने बताया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दो टाइप के मूवमेंट हमें दिखाई देते हैं एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एक ऑटोनोमस मूवमेंट जिसके तहत वो अलग से राज्य नहीं चाहते बस वो चाहते हैं कि उनको अलग से ऑटोनोमी दी जाए और एक है बिल्कुल स्टेट हुड मूवमेंट जिसमें वो अलग स्टेट की डिमांड करते हैं एस आर एस आर सी जो है मीन्स स्टेट रीओर्गनाइजेशन कमीशन उन्होंने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनको लैंग्वेज के आधार पर नहीं बांटा जा सकता क्योंकि वहाँ पर अगर लैंग्वेज के आधार पर बांटेंगे तो हिली एरिया पूरा पड़ता है विच वॉज नॉट पॉसिबल टू टू बिकेम द सेपरेट स्टेट क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिक लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तो आप ऐसे सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर उनको बांट नहीं सकते तो उन्होंने कहा था कि नहीं सेपरेट स्टेट हुड की जो डिमांड है वो उनकी ना मानी जाए बट हां ऑटोनोमी जरूर उनको दे दी जाए अलग अलग एरिया में ठीक है ना और ये बात भी सही थी उस स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन की क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना फ्रेंड्स अब पहाड़ियों को आप कैसे बांटोगे आप खुद सोच के देखो ना तो ये मेन चीज़ आपको समझनी होगी कि नहीं उन्होंने सेपरेट स्टेट होड़ की डिमांड को uh, स्वीकार नहीं किया था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ने उन्होंने कहा था कि ऑटोनॉमी इनको दे दी जाए और वो इनर लाइन परमिट है वो आपको पता है वो प्रोटेक्शन के लिए है कि जो वहाँ के ट्राइबल जो एरिया है उनको प्रोटेक्ट किया जाए उनकी कल कोई बाहरी लोग उनके ऊपर uh, शोषण ना करें इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सरकार करती भी है इसके अलावा हिल स्टेट मूवमेंट में हम देखें दैट वेरियस ट्राइबल लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब लाइक गारो खासी जयंतिया और लूसाई हिल्स विच बिकेम द पार्ट ऑफ असाम स्टेट वॉन्टिड क्रिएशन ऑफ द हिल स्टेट एंड द बेसज लैंग्वेज बिल इन द दसामीज इलेक्शन इन द नाइनटीन सिक्सटी विच वॉज कंसिडर एंड इम्पोजिशन ऑफ असामीज लैंग्वेज ऑन द नॉन असामीज कम्युनिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सेरेशन स्टेट हुड डिमांड

ठीक है ना तो और आसाम से ही बाद में बहुत सारे स्टेट अलग अलग बने भी फिर तो होता क्या है कि 1960 में एक असामीज लैंग्वेज बिल पारित हो जाता है असेंबली में जो आसाम की असेंबली है वहां पे जिसमें यह बोला गया कि जो लैंग्वेज है वो अब लागू होगी सभी पे तो वहां से फिर वो डिमांड स्टार्ट हो जाती है कि नहीं हमें अलग से ऑटोनॉमी चाहिए अलग से स्टेट हुड चाहिए तो फाइनली फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है तो 1971 में प्रेसिडेंट जो हैं वो बिल पास करते हैं मीन्स सर्टेन एक्ट कर को पास करते हैं जिसके तहत फिर काफ़ी न्यू स्टेट बनाए जाते हैं जिसमें मणिपुर त्रिपुरा मेघालय और ये सारे जो स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे नागालैंड में अगर हम देखें तो नागालैंड वॉज फॉर्म्ड इन द नाइनटीन एंड उसमें अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ऑल्सो एलिवेटेड फ्राम द आसाम एंड ये सब मतलब आप लिखेंगे थोड़ा सा मीन्स आप इसको तो, हल्का देख सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनना है मीन्स जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना ही ध्यान रखें ठीक है और मेन चीज़ मैंने आपको ये भी बताई है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो डिमांड उठी है जो भी स्टेट्स की वो मेनली लैंग्वेज के आधार पर और अपनी खुद की कल्चर आइडेंटिटी क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स हैं तो अलग अलग ट्राइब्स हैं तो उनका कल्चर उनका एथिक्स उनकी हिस्ट्री उनका जो कस्टम्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और मामला वहीं फंसता है जब एक पर्टिकुलर स्टेट जैसे हमने देखा अभी कि एस एमज लैंग्वेज को इम्पोज करने की बात की गई तो उसके आधार पे इन इन स्टेट्स uh, के यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुए और ये पूरा जो है वो अलग अलग स्टेट फिर इमर्ज होते हैं नेक्स्ट है स्टेट हुड मूवमेंट इन द हिंदी बेल्ट दैट क्रिएशन ऑफ फोर न्यू स्टेट मीन्स उत्तराखंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इन टू थाउजेंड एंड तेलंगाना इन टू थाउजेंड फोरटीन प्रोवाइड द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया अगर हम देखें कि स्टेट हुड मूवमेंट जो हिंदी बेल्ट में तो उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 2000 में बनते हैं तेलंगाना 2014 में बनता है ये लेटेस्ट के एग्ज़ाम्पल हैं अब हम बात करें कि हिंदी बेल्ट की तो उत्तराखंड जो है और उत्तरांचल भी हम उसको बोल सकते हैं ये यूपी का पार्ट था पहले बट बाद में वहाँ पे सेम जो मैंने आपको बताया कि एक तो लैक ऑफ डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ दूसरा क्योंकि थोड़ा इनकी जियोग्राफी जो है वो अलग है यूपी से यूपी वॉज लाई इन द प्लेन एरिया बट उत्तराखंड वॉज उत्तराखंड लोकेशन एंड ज्योग्राफी सम हाउ इज़ रिलेटेड टू द जो हिली एरियाज तो उनके ज्योग्रफी पूरा अलग है वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था तो फिर वहाँ पे जो डिमांड राइज होती है कि नहीं हमें अलग से राज्य चाहिए तो उत्तराखंड फिर बन जाता है 2000 में ठीक है ना और सेम छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वहाँ पे भी क्या है वहाँ पे भी सेम है कि डिफरेंट कम्युनिटी है वहाँ पे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं इसके अलावा जो एरिया वाइज है अगर हम देखें क्योंकि बिहार से वो निकल के बने हैं तो वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ झारखंड उनकी भी जो लोकेशंस है वो बिल्कुल अलग है सेम डेवलपमेंट अनइवन था और अलग से वो अपनी आइडेंटिटी चाहते थे मीन्स कि अलग से हम अपना लैंग्वेज के आधार पे और जो ही ट्राइब्स की जो एथेनिसिटी के आधार पे उन्होंने डिमांड की ठीक है और सेम अभी लेटेस्ट में जो 2014 में हम देखें तेलंगाना जो बना आंध्र प्रदेश से तो ये जो सारे जो मूवमेंट हैं ये लेटेस्ट के मूवमेंट हैं और वैसे भी आप ध्यान रखें हमेशा कि स्टेट होल्ड की जो डिमांड है वो हमेशा फ्रेंड्स होती ही रहेगी ठीक है क्योंकि आर्टिकल जो हमने बताया मैंने आपको आर्टिकल थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज को फेवर भी करता है तो ये सारे जो आपको हैं पॉइंट्स ध्यान रखने हैं नेक्स्ट है ऑफ द पार्टीज एंड द स्टेट सो द पार्टीज हैव टू सच डिमांड दे वर इन द अपोजिशन बट दे आर अपोज वैन इन द पावर एंड एक्सेप्ट मूवमेंट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना एंड झारखंड डिमांड फॉर अदर स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जनरली लेक्ट पॉपुलर मोबलाइजेशन दे वर लार्जली वॉइसड बाई द प्रोफेशनल पोलिटिशियन थ्रू सेमिनार एंड वेरियस पासिंग रिजोल्यूशन एंड अकोर्डिंग टू दोल आर ब्रास ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग करें ध्यान रखना सो अकॉर्डिंग टू पोल आर ब्रास द गर्मेंट अक्सेप्ट स्टेट हुमांड इन द सर्टेन कंडीशन एंड अकोर्डिंग टू सच कंडीशन शुड भी दपोर्ट इन द स्टेट इट सेल्फ एंड इन द एरिया वेयर सच डिमांड्स आरइज्ड तो पार्टी और स्टेट का रिस्पॉन्स क्या है तो देखो पार्टी का रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है कि जब ये पार्टीज अपोजिशन में होती हैं तब डिमांड करते हैं कि हाँ अलग राज्य बनना चाहिए क्या ताकि भीड़ को ही अपनी ओर ला सकें बट जैसे ही पावर में आएंगे तो फिर वो डिमांड है उनकी उसको ठंडे बक्से में डाल देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो सारी हरामी होती है आपको पता ही है ठीक है बट ओवरऑल हमें समझना ये होगा कि जो पोल आर ब्रास इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं जरूर मेंशन करें तो पोल आर ब्रास ने ये कहा है कि भाई स्टेट हुड की जो डिमांड है वो सही भी है क्यों क्योंकि जो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो डेवलपमेंट इक्वल नहीं हो पाता ठीक है लेकिन उन्होंने एक ये चीज़ भी बोली है कि जब स्टेट हुड की जो डिमांड हो ना वो विद इन द स्टेट ही एमर्ज होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात लोगों का मूवमेंट उसमें होना चाहिए ऐसे नहीं है कि बस कुछ लोगों ने बोला कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की इच्छा है और वो अलग स्टेट बन जाए नहीं स्टेट्स की जो डिमांड है वो विद इन द स्टेट होनी चाहिए मास मोबलाइजेशन का सपोर्ट होना चाहिए और इसके अलावा प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही स्टेट को बनना चाहिए ठीक है ना ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पोल आर ब्रास तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा चैप्टर अगर आपको एक क्रीम नोट्स बिल्कुल चाहिए टू तो द पॉइंट जो आपके आंसर्स में हेल्प करें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या मेल पे तो आपको वो ओनली टेन रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से नोट्स मिल जाएंगे ठीक है क्योंकि जो है ये इग्नू की जो बुक है इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है बट नोट्स मैंने बहुत ही ईजी और स्मूद वे में बनाए हैं ठीक है तो जिनको भी ज़रूरत है वो ले सकते हैं थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे